हेलो एवरीवन दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो कुछ सिलेक्टेड एरिया के रिगार्डिंग है जिसमें हम चार पॉइंटर्स डिस्कशन करेंगे मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस के रिगार्डिंग। प्रिपरेशन किस वे से करना है, चीज़ों को कवर क्या करना है, कितना अक्सर एग्जामिनेशन का कट ऑफ जाता है एमपी में, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए अचीव करने का, ये पूरा आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि प्रिपरेशन के लिए इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, जो चार पॉइंटर्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग द सिलेबस पार्ट। दूसरा जो एस्पेक्ट है, इसको कवर किस वे से करना है। तीसरा जो पार्ट है, दैट इज कट ऑफ क्या है, अक्सर कट ऑफ क्या जाती है। ठीक है, लास्ट जो पॉइंटर है, दैट इज रिगार्डिंग टारगेट स्टडी। वन बाय वन इन पॉइंटर्स को डिस्कशन करते हैं और आपको क्लैरिटी मिलेगी आप अच्छा स्कोर किस वे से कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले डिवीजन समझिए। जो मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन है, तीन स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्रीलिम्स, सेकेंड वन इज मेंस, थर्ड जो पार्ट है दैट इज इंटरव्यू। अब जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, यहां पर 150 क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे और जो मार्क्स की डिवीजन है दैट इज 150 मार्क्स। मेंस के रिगार्डिंग जो है, दिस इज रिगार्डिंग 400 मार्क्स, और जो इंटरव्यू में है दिस कैरीज 50 मार्क्स। ठीक है, और हमें इन चीजों को कवर कैसे करना है, जो मेन वीडियो का फोकस है दैट इज फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम एक बार सब्जेक्ट्स देखते हैं। दोस्तों, यहां पे देखिए, इंडियन पीनल कोड जो कैरी करता है 15 क्वेश्चंस, और जो इसकी वेटेज है दैट इज फॉर 15 मार्क्स। लाइकवाइज जो सेकेंड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड 15 मार्क्स। एविडेंस एक्ट, 15 क्वेश्चंस एंड 15 मार्क्स के यहां से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। लाइकवाइज जो सीपीसी है, 15 और 15। ठीक है, तो जो सबसे पहला फोकस है दैट इज दीज फोर सब्जेक्ट्स जो मेजर वेटेज कैरी कर रहे हैं, और पैरेलल हम रन करेंगे जीके का पार्ट। ठीक है, जनरल नॉलेज जो कि 20 मार्क्स का पार्ट है। ठीक है, इनको प्लान इस वे से करना है, वन क्रिमिनल प्लस वन सिविल लॉ सब्जेक्ट, एक क्रिमिनल लॉ का सब्जेक्ट, वन सिविल लॉ सब्जेक्ट प्लस जीके, ये पार्ट आपको एंड तक कवर करना है इस वे से। इससे पैरेलल दोनों चीजें आपकी कवर होंगी, सिविल लॉ प्लस क्रिमिनल लॉ, और जीके का पार्ट जो है दैट हैज टू बी डन रेगुलर। ठीक है, सेपरेट वीडियोस पोस्ट करेंगे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग भी। अब जो नेक्स्ट रहेगा दैट इज आप जब कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे वो 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, 7 क्वेश्चंस 7 मार्क्स। इसके पहले जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन सब्जेक्ट्स की अच्छे से डिवीजन लेके चलेंगे कि आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जब कवर करने हैं, पहले आप देखो कि कौन से सब्जेक्ट मेजर वेटेज कैरी कर रहे हैं। ठीक है, इसी वीडियो में हम कट ऑफ की भी बात करेंगे, आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको किन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे मेजर फोकस बनाना है, आपकी कमांड होनी चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, देन वी हैव स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 6 मार्क्स, और लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के कुछ क्वेश्चंस कम है, 4 एंड 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये जो आपका पहला जो फोकस होगा दैट विल बी ऑल दीज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स में से भी कौन सा एरिया है, ठीक है, ये भी डिस्कशन की जाएगी। और यहां पर जब आप एक बार जीके का पार्ट कवर करते हैं,
आप एक या दो दिन, ये आपको हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने में, दैट इज रिगार्डिंग कंप्यूटर्स. ठीक है, पहले आपका फोकस इन सब्जेक्ट्स पे इस तरीके से होना चाहिए. फर्दर वीडियोस में भी आपको मैं और प्लानिंग बताऊंगा कि ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या कोर एरियाज हैं. ठीक है, 200 जो पिछली बार की कट ऑफ थी उसका कुछ ऐसा आइडिया था दैट इट शुड बी समवेयर बिटवीन 115 to 118. तो जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी दैट वॉज 118. सेफ साइड के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, आपका फोकस होना चाहिए कि स्कोर आपको करना है 120 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे आप. ठीक है, जिसमें मैं आपको बोलूंगा कि योर फोकस शुड बी 123 टू 124, मतलब आपका एटलीस्ट इतना करेक्ट आंसर होना चाहिए एग्जामिनेशन में. ठीक है, तब जाके अगर कहीं पे कट ऑफ बनती है प्लस माइनस 2 मार्क्स, मतलब तकरीबन कट ऑफ 115 या 120 के आसपास, मतलब एटलीस्ट आप इतना स्कोर मान के चलेंगे कि आपको इतना स्कोर मिनिमम करना है टू क्रैक द एग्जामिनेशन. ठीक है, एक आइडिया है, आपका फोकस कम से कम 120 या 122 स्कोर इतना होना चाहिए एग्जामिनेशन को लेके. ठीक है, जनरल के अलावा जो लास्ट ईयर कट ऑफ था ओबीसी दैट वाज 113, एससी 94. ठीक है, तो ये जो कट ऑफ स्कोर है ये आपको प्रीलिम्स में स्कोर करना है इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, अगर दोस्तों आप किसी भी तरह का जो ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर किए गए हैं स्टडीज की ओर से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हैं. यू कैन फॉलो द सोशल मीडिया लिंक्स, तो आप उन लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशन. चाहे कोई भी अपडेट आता है उसके रिगार्डिंग आप इन लिंक्स को जरूर फॉलो कीजिए. और दोस्तों अभी के लिए आप इन चीज़ों पे स्टार्ट कीजिए फोकस करना, कि आपका जो सीक्वेंस है आप इसको स्टार्ट कीजिए फॉलो करना, ताकि आपको एक पैटर्न बन पाए स्टडी का और आप जल्द से एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएं. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपके जो भी कोई क्वेरी है, आपकी कोई भी क्वेरी है, कॉमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी नए वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आपको उनके रिगार्डिंग अपडेट मिल पाए साथ की साथ. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.